Assalamu Alaikum Restaurant, I am Muhammad Nadeem Gumman from Beacon Lloyd College. Restaurant in previous lecture we discussed the comparator as a night switch. In previous lecture we derived the different two equations V prime is equal to V3 divided by R3 plus RL into VCC. VR is equal to R2 divided by R1 plus R2 into VCC. VR is a reference voltage drop across the resistance R2. V prime अ वोल्टेज ड्रॉप एक रजिस्टर इनवर्टिंग टर्मिनल रेस्टोरेंट इसकी वर्किंग अब हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कल मैंने इसकी डेरिवेशन आपको करवा दी थी हमने इक्शन फाइंड आउट कर ले थे लेकिन वर्किंग रहती थी वर्किंग आज, आज आपको करवा रहा हूं रेस्टोरेंट देखे हमने मैंने कल भी आपको बताया था यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है जिसका नाम है एल डी आर एल डी आर लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस मीनस ये वो रेजिस्टेंस है जो लाइट पे डिपेंड करती है और आगे स्टूडेंट जब हमने ये सर्किट डिजाइन किया था ये हमारे पास प्लस वी सी सी आगे हमने रेजिस्टेंस लगा दी है आर एल और यहां से एक जो वायर है वो हमने नेगेटिव टर्मिनल पे दी है जिसको हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब यह है कि यह एम्पलीफायर का वो टर्मिनल है अगर यहाँ पे इनपुट दे दी जाए तो आउटपुट में जो इसको इन्वर्ट कर देता है बाय अ एंगल ऑफ 180 डिग्री मीन्स फेज शिफ्ट कर देगा अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट दूसरी साइड पे वी आगे हमने रेजिस्टेंस लगाई थी आर एंड आर और ये एक नोड मैंने बनाया था जिसको हम कह रहे थे कि ये एक्ट करेगा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर तो यहाँ से स्टूडेंट एक वायर हम दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इट मीन्स कि जो हमने इनपुट देनी है इसमें उसको इन्वर्ट नहीं करना बल्कि उसी तरह ये क्या कर देगा आगे प्रोवाइड कर देगा अब स्टूडेंट हमने देखना है इसको समझते हैं थोड़ा सा इन डे टाइम्स ड्यूरिंग द डे डे टाइम बेटा दिन के वक्त अब देखिए ये वी सी सी है इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये एल डी आर के ऊपर लाइट पड़ रही है जब स्टूडेंट इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो लाइट पे डिपेंड करती है अब स्टूडेंट इसके ऊपर लाइट पड़ रही है इसकी रेजिस्टेंस कम होगी जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी अब करंट को दो पाथ मिल रहे थे करंट जब यहाँ पहुँच गया है तो करंट इधर भी आ सकता है करंट इस साइड पर भी जा सकता है करंट के पास दो वे हैं ये करंट इधर चला जाए या करंट इधर आए अब स्टूडेंट देखिएगा हमने पढ़ा है कि करंट हमेशा उस पाथ को अडॉप्ट करता है जहाँ पे डेसी पेशेंस कम हो इट मीन्स अगर इधर जाएगा आर वन उसको ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करेगी एल डी आर उसको कम रिज ऑपोजिशन ऑफर कर रही है तो करंट ये वाला पाथ अडाप्ट कर लेगा मूव करेगा थ्रू आ एल डी आर जब स्टूडेंट ये एल डी आर में से पास होगा अब करंट एल डी आर में से होकर यहाँ पे पहुँच जाएगा अब ये वाली इनपुट हमने दे दी है इनवर्टरिंग को अब हम दे रहे हैं इनपुट में दे रहे हैं प्लस वी सी सी इनपुट में हमने दी है प्लस वी सी सी अब इसने आउटपुट को इन्वर्ट कर देना है बाय एंगल 180 डिग्री आउटपुट में स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस वी सी सी तो हमने स्टूडेंट आउटपुट में एक रिले लगाया होता है ये उस वक्त एनर्जाइज होता है उस वक्त ऑन होता है जब इसको इनपुट जो है वो प्लस वीसीसी मिले अब अगेन रिपीट करता हूं स्टूडेंट ये बहुत इजी है अब देखिएगा वीसीसी सी सी यहां पर करंट पहुंचाए दो पाथ हैं, आर वन की तरफ चला जाए या एलडीआर की तरफ जाए ड्यूरिंग डे टाइम इसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी एल के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी करंट ये वाला पाथ अडॉप्ट करेगा एल में से होके यहाँ पहुँचेगा यहाँ से हमने इनपुट दे दी है किसको ये अटैच है नेगेटिव टर्मिनल के साथ अब फ्रंट जेब प्लस वी है हम इनपुट दे रहे हैं प्लस वी सी सी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ने इसको इन्वर्ट कर देना है बाय एंगल 180 डिग्री मींस फेज शिफ्ट करेगा उल्टा देगा तो जब हम दे रहे हैं इसको प्लस वी हमारे पास आएगा माइनस वी और यहाँ पे इसकी आउटपुट में स्टूडेंट हमने एक रिले लगाया होता है यहाँ पे एक रिले सिस्टम है जिसने ऑन ऑफ करना है सर्किट को ना और ये रिले उसी वक्त एनर्जाइज्ड होता है वर्किंग कंडीशन में आएगा जब इसको इनपुट मिलेगी प्लस वी अब ये इसको इनपुट मिल रही है माइनस वी ये हो जाएगा ऑफ़ जो लाइट्स लगी होंगी वो स्टूडेंट ऑन नहीं होंगे अब नेक्स्ट हमारे साइकिल में जब स्टूडेंट ड्यूरिंग नाइट अब ये एल जो है ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आर वन जो है ये मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा यहां से जो करंट आएगा वो अब एल की तरफ नहीं आएगा स्टूडेंट वो मूव कर जाएगा टूवर्स टूवर्स आर वन अब आर वन में से पास होके इसके साथ हमने ये करंट यहां से होता हुआ इनपुट टर्मिनल में आ जाएगा प्लस अब इनपुट हम दे रहे हैं प्लस वी ये पॉजिटिव टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ये इसको इन्वर्ट नहीं करेगा आउटपुट में हमारे पास आ जाएगी प्लस वी अब ये देखिएगा जो अब हमारे पास ये रिले सिस्टम है इसको इनपुट जो है वो प्लस वी मिल रही है स्टूडेंट अब ये एनर्जाइज हो जाएगा ये हो जाएगा ऑन जब ये ऑन होगा आगे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी ये उसको ऑन कर देगा ये थी स्टूडेंट हमारे पास इसकी वर्किंग जी स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था मैं अगेन इसकी वर्किंग रिपीट कर रहा हूं ये हमारे पास ये देखिएगा दोबारा इसकी रफसी आपके सामने डायग्राम ड्रा कर देता हूँ ये इनवर्टिंग इनपुट है और ये है स्टूडेंट हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इसके साथ हमने एक एल डी आर लगा रखा है लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है एल डी आर तो यहां पे हमने इनपुट दे दी है प्लस वी सी सी और यहाँ पे स्टूडेंट हमने दो रेजिस्टेंस और अटैच की हुई हैं ये है आर वन और यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमने लगाई थी आर टू और यहाँ से हम इनपुट दे रहे थे पॉजिटिव को ना और इसको एट द एंड हमने क्या कर दिया था ग्राउंड और यहाँ स्टूडेंट ये वाली जो वायर है इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी थी ये वायर इसके साथ अटैच नहीं है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहे थे हम उसको हमने नाम दे दिया था आर थ्री का इसके क्रास जो वोल्टेज ड्राप हुई थी उसको वी प्राइम कह रहे थे आर टू के क्रास जो वोल्टेज ड्राप हुई है उसको हमने नाम दिया था वी आर का रेफरेंस वोल्टेज का अब देखिएगा स्टूडेंट ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट है इसके आगे हमने एक रिले सिस्टम लगाया हुआ है ये है हमारे पास एक रिले सिस्टम रिले सिस्टम आप समझ ये है हमारे पास रिले सिस्टम ये उस वक्त वर्क करेगा उस वक्त ऑन होगा जब इसको मिलेगी इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव में ये स्ट्रेंट ऑफ़ रहता है तो आगे हमारे पास समझ लें कि बेल है लाइट्स वगैरह हैं इसने लाइट्स को क्या करना है ऑन करना है अब यहाँ से जब डे टाइम इसके ऊपर स्ट्रेंट लाइट्स पड़ेगी एलडीआर के ऊपर एल डी आर के ऊपर लाइट पड़ रही है इसकी रेजिस्टेंस कम होगी करंट यहाँ से आ रही है वोल्टेज उसको दो पाथ हैं वो इधर भी जा सकता है इधर भी लेकिन वो ये वाला पाथ अडाप्ट करेगा आगे इस ये हमने इन्वर्टरिंग के साथ अटैच कर दी है तो ये हमारे पास स्टूडेंट होगा हमने इनपुट दे दी है प्लस वी सी सी ये नेगेटिव टर्मिनल है ये इसको इन्वर्ट करेगा इन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट होगी वो होगी माइनस वी सी सी ये रिले ओनली एनर्जाइज्ड व्हेन इनपुट इज़ पॉजिटिव अब इसकी इनपुट नेगेटिव है तो स्टूडेंट ये ऑफ रहेगा जो आगे स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी वो ऑन नहीं होंगी इट मीनस डे टाइम में ये लाइट्स क्या हो जाएंगी ऑफ लाइट्स हमारे पास क्या हो गई हैं ऑफ़ अगर स्टूडेंट आप इसकी इक्वेशन देखना चाहते हैं अगर इसको आप कह दें ये नेगेटिव इनपुट है और ये है हमारे पास पॉजिटिव इनपुट ना ये इन्वर्टिंग इनपुट ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट डे टाइम डे टाइम हमारे पास स्टूडेंट क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं नेगेटिव पे पॉजिटिव पे नहीं दे रहे तो इसलिए वी नेगेटिव ग्रेटर देन होगा वी पॉजिटिव से वी नेगेटिव जो है क्योंकि इनपुट अब डे टाइम में इसकी रेजिस्टेंस कम है यहीं से होके यहाँ पे पहुँचेगी अब वी नेगेटिव जो है वो ग्रेटर देन है वी पॉजिटिव से या हम ये भी कह सकते हैं इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है हम उसको कह रहे हैं वी प्राइम ये वी प्राइम है और जो आर टू के क्रास है उसको हम वी आर कह रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज इट मीन्स वी प्राइम इन डे टाइम वी प्राइम ग्रेटर देन वी रेफरेंस वोल्टेज तो अब इनपुट हमने वी पॉजिट प्लस वी सी सी दिया है इनपुट स्टूडेंट हम दे रहे हैं प्लस वी सी सी आगे टर्मिनल जो है हमारे पास वो इनवर्टिंग है वो इसको इन्वर्ट कर देगा इन्वर्टिंग इनपुट पे तो आउटपुट हमारे पास आएगी माइनस वी सी सी ये स्ट्रेंट हमने इनपुट दी है आउटपुट आई है माइनस वी सी सी आगे हमने रिले लगाया हुआ है वो क्या हो जाएगा एक्ट करे ऑफ लाइट्स जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑफ रहेंगी अब नेक्स्ट चलते हैं नाइट टाइम नाइट टाइम स्ट्रेंट अब देखिएगा नाइट टाइम इसके ऊपर अब लाइट नहीं पड़ रही जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी वोल्टेज जो है करंट जो है ये पाथ अडॉप्ट करेगा करंट इधर से होके इस रेजिस्टेंस में से आएगा और इनपुट पे पहुंच जाएगा अब जरा देखिएगा स्टूडेंट इनपुट जो है अब करंट आ रहा है वी पॉजिटिव पे अब इस केस में हमारे पास वी पॉजिटिव ग्रेटर देन है वी नेगेटिव से या अदर वर्ड्स में हम लिख सकते हैं आर वी आर रेफरेंस वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी प्राइम अब होगा क्या स्टूडेंट अब ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है जितनी इनपुट देनी है इसने उसी को इन फेज रखते हुए आगे प्रोवाइड कर देना है अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं हम इनपुट दे रहे हैं प्लस वी सी सी अटैच किसके साथ किया हुआ है हमने इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो आउटपुट में भी आएगा प्लस वी सी सी तो लाइट्स क्या हो जाएंगी ऑन ये थी स्टूडेंट इसकी वर्किंग बहुत इजी सी वर्किंग है अगर कोई इश्यू होगा तो आप कंसर्न कर लीजिएगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉन्ग क्वेश्चन है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो इन स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर सिक्सटीन स्टार्ट कर लेंगे और इन शह चांदी दिनों में हम सिक्सटीन चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और स्टूडेंट इसके जो रिड्यूस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस इसके जो प्रॉब्लम्स करने हैं वो हैं थ्री फर्स्ट प्रॉब्लम है और लास्ट टू वाले हैं फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया है लास्ट टू वाले बहुत इजी हैं डायग्राम वाले हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों से वो नहीं होते तो देन मुझे मैसेज कर देना तो मैं वो एक लेक्चर के अंदर वो करवा दूंगा वहाँ पे दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर स्टूडेंट आपने किरचुप लॉ लगाने हैं इनपुट करंट फाइंड कर लेना है फिर आउटपुट करंट फाइंड करना है इनपुट अकॉर्डिंग टू किर्च लॉ इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट तो वो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा ये सेकंड लास्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा था जो लास्ट वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम है उसमें आपने गेन फाइंड करना है वो इन्वर्टिंग का या नॉन इन्वर्टिंग का गेन पूछता है रजिस्टेंसीज दी हुई हैं पुटिंग करोगे तो आपके पास डायरेक्ट उसका क्या जाएगा? आ जाएगा गेन आ जाएगा इन नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हाजिर होंगे तब तक इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज